वेलकम टू एडुसेव चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का पाथ कैसा होना चाहिए, मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी में आने के लिए स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। एंड ये जो सेक्शन है आप सभी के लिए, ये आज का इंटरव्यू सेक्शन है। जो मैं एक जूनियर के साथ बैठा हूँ, वो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन फर्स्ट ईयर का एक लड़का है जिसको मैं आज इंटरव्यू में बुलाया एंड वो आने के लिए तैयार भी हुआ। तो आज का जो बेसिकली मकसद है वो पहले इंट्रोडक्शन देगा, उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में आने के लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया का, तो उसमें आने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कौन से एग्जाम का थ्रू ही सिर्फ आपका अलाउ होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के लिए, तो ये सब कुछ डिटेल्स में बताएगा। उसके बाद प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, रिजर्वेशन कैसा है, आपको कौन सा बुक फॉलो करना था इतना दिन, और लास्ट वन मंथ के लिए कैसा प्रिपरेशन टिप्स होना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल्स में बताएगा। तो देखो ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलता रहेगा, काउंसलिंग का टाइम पर भी आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ तो तुम पहले तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को कि कुछ मालूम हो जाए। मेरा नाम शशि गुप्ता है, मैं करंटली जादवपुर यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, IEEE डिपार्टमेंट इसको बोला जाता है। और एक क्वेश्चन रहता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस है उसमें एडमिशन के लिए कौन सा एग्जाम देके हम लोग एंट्रेंस मतलब एंट्री कर सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग ब्रांचेस में, तो तुम भी बोलो कि कौन सा एग्जाम है जिसका तो एंट्रेंस मतलब ले सकता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओनली WBJEE एग्जाम के थ्रू ही होता है, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जादवपुर में एडमिशन होता है एक ही है, और एक जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो एक अलग स्कॉलरशिप है, जम्मू एंड कश्मीर के स्कॉलरशिप बच्चों के लिए वो एक अलग तरीके से उन लोगों का स्कॉलर एडमिशन होता है, वो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो इसके बाद और एक क्वेश्चन रहता है कि रिजर्वेशन रिलेटेड कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कितना क्या रिजर्वेशन रहता है, इसके ऊपर अगर तुम बोल देते तो अच्छा होता है। जादवपुर में एडमिशन के लिए 90% सीट्स आर रिजर्व फॉर स्टेट वेस्ट बंगाल स्टेट ओनली एंड 10% सीट्स आर रिजर्व फॉर ऑल इंडिया कोटा या अदर स्टेट्स के लिए रहता है, और 90% जो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए जो सीट्स है उसमें भी रिजर्वेशन है, वेस्ट बंगाल लोगों SST OBC ये सब के लिए वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए मिलता है, और ऑल इंडिया जो कोटा है 10% उसमें ओनली जनरली उसको काउंट किया जाएगा। इसके बाद आते हैं आपका प्रिपरेशन के ऊपर। तो देखो इसका पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो लाया था प्रिपरेशन के ऊपर बेस करके, जैसे कि 2 मंथ 3 मंथ्स के लिए कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए WBJEE का, तो इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो किया था, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे एक बार फिर से, तो आप उसको चेक कर लेना। इसके बाद आपके पास सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है, तो इसमें से आपको क्या करना है, इतना तो ज़्यादा और दिन बचा नहीं है WBJEE का, तो इसलिए इसका अंदर ये जो शॉर्ट टाइम है इसके अंदर आपको क्या करना है इसके ऊपर ही मतलब प्रिपरेशन किस आप लोगों को देंगे, जैसे कि बेस चैप्टर कैसा है, पैटर्न आपको कौन सा फॉलो करना है एंड उसके साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल्स में ये जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो आपको बताएगा। तो फिर बोलो WBJEE में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 आवर्स मिलता है मैथमेटिक्स में, 75 क्वेश्चन होते हैं और 2 आवर्स में ही 80 क्वेश्चन होते हैं सेकंड पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री में, इसलिए टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर WBJEE, और स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है WBJEE के लिए। और सेकेंड आते हैं कि इस जो लास्ट मंथ बचा हुआ 1 महीना में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंप्रूव करें मार्क्स को या फिर कैसे पढ़ाई करें, तो उसके लिए तो आपको जो हाई बेस्ट चैप्टर्स है या हाईली वेटेड चैप्टर्स है उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा स्क्रिप्शन में और लिंक भी दिया हुआ आप देख सकते हैं, तो उन चैप्टर्स को करें बार बार रिवाइज करें जिससे आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। और उसके बाद आप WBJEE पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट दें जिससे आपको पैटर्न और स्पेसिफिक दो आवर में दें स्पेसिफिक टाइम में दें जिससे आपको WBJEE का एक्सपीरियंस मिल सकता है, किस तरह से आप टेस्ट देंगे उस तरीके से आप टेस्ट दें WBJEE का पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट दें जिससे आपका इंप्रूव होगा मार्क्स। इसके बाद वो जो बताएगा कि सबसे कम टाइम पर मतलब 1 मंथ बचा हुआ है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स मतलब जितना मैक्सिमम मार्क्स हो सके ये 1 मंथ पर कैसे आपको मिल सकता है, ये सब कुछ चीज़ अभी वो डिटेल्स में बताएगा। उसके साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर्स रिलेटेड भी वो बताएगा, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड भी वो बताएगा कुछ, तो सुनो फिर अच्छे से ध्यान से सुनना वो क्या बोलते हैं। लास्ट 1 मंथ में आप यही कर सकते हैं कि आप जितना पिछले दिनों में स्टडीज किए हैं उसको बार बार रिवाइज करें, वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो जितने भी आपने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए हैं उसको आप उसी के ऊपर क्यों न्यू चीज नहीं करना है,
किसी भी तरह का न्यू नहीं पढ़ना है, मेटेरियल्स को ना छुए, जो अपने प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए हैं उन्हीं को रिवाइज करें, ज्यादा ज्यादा रिवाइज करें और थ्योरी को शॉर्ट नोट्स में रिवाइज करें, जिससे आपका इम्प्रूव होगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना सही रहेगा, मतलब पहले 2 मार्क्स करना सही रहेगा या फिर 1 मार्क्स, तो इसका ओवर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो उसका ओवर अपन शो करेगा। तो चलो फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। पहले तो कैटेगरी 2 जो है उसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको करना सही रहेगा, उसके बाद कैटेगरी 1 करना सही रहेगा जो 1 मार्क्स का, उसके बाद कैटेगरी 3 जो 2 मार्क्स वाले हैं, क्योंकि कैटेगरी 2 जो है जिसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का, कैटेगरी 1 जिसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसमें जो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है वो सेम ही रहते हैं, इसीलिए सबसे पहले कैटेगरी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करें, उसके बाद कैटेगरी 1 जिसमें 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो करें, उसके बाद कैटेगरी 3 करें जिसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो तुमने अभी बोला कि कैटेगरी 3 लास्ट में करना चाहिए, बट कैटेगरी 3 का जो क्वेश्चन रहता है वो भी तो 2 मार्क्स का रहता है, जैसे कि कैटेगरी 2 में रहता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो कैटेगरी 2 उसके बाद कैटेगरी 1 उसके बाद तुमने बोला कि कैटेगरी 3 करना चाहिए, तो क्यों कैटेगरी 3 लास्ट में करना चाहिए, अगर तुम ये बोलते तो अच्छा रहता है। कैटेगरी थ्री लास्ट में इसलिए करना चाहिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि वो मल्टी करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन है जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए कैटेगरी लास्ट के टाइम में जो बचा हुआ टाइम है उसमें कैटेगरी 3 करें। इसके बाद नेगेटिव लेकर वो कुछ बोलेगा और उसके साथ साथ PVSER क्वेश्चन कितना साल तक जरूर करना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए था और अभी तक कौन सा बुक फॉलो करना अच्छा रहेगा और सही रहेगा, ये वो बताएगा। एट फर्स्ट आपको पहले पेपर में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप सॉल्व करते जाएं, आप करते जाएं, और जो नहीं आ रहे क्वेश्चन उसको मार्क कर दें क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग है, और जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उनको पहले कर लें जो मैक्सिमम जितने मार्क्स फिक्स कर लें, उसके बाद लास्ट में आप जो अपना तरीका है उसे करके आप ये करें या फिर लीक कर दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है WBA एग्जामिनेशन में, लेस लिमिटेड मार्किंग मतलब नेगेटिव नहीं करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आप क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले करें और आगे बढ़ें। जो 1 मंथ बचे हुआ है WBA के लिए लास्ट मंथ में आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें 5 ईयर का, तो मस्ट चेक करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद जो अरियंट या सिंगेज का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन उसको ज्यादा से ज्यादा करें और बार बार रिविजन करें, जैसे कि अब तो WBA के लिए ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, 1 मंथ बचा हुआ, तो उसमें आप यही कर सकते हैं कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपने जो पिछले दिनों में पढ़ा हुआ है जो आपने मेटेरियल तैयार किया शॉर्ट नोट्स तैयार किया उसी को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट आ सकेगा और मैक्सिमम मार्क्स आप अच्छे और अच्छा परफॉर्मेंस कर एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और कुछ नया नया पढ़े जो पुराना अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए हैं और अपने जो थ्योरी बनाए शॉर्ट नोट्स बनाए पीओक्यू सॉल्व किए उसी को बार बार रिवाइज जितना हो सके रिवाइज करें, जिससे आपका मैक्सिमम मार्क्स आएगा एग्जाम में। तो यहीं पर इंटरव्यू आज खत्म होता है, तो इसके बाद और भी आएगा, अगर आपको और कुछ नया वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो काट लूँगा, और मेरा भी पेज आप लोग को जानते हो या ट्रस्ट में दे रहा हूँ कि मैं भी तो जादवपुर यूनिवर्सिटी 2nd ईयर में पढ़ता हूँ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, तो आप सभी को मालूम हो जाना चाहिए, मैं पहले से ही वीडियो करता हूँ। तो चलो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।